महाराष्ट्र के ठाणे में अश्वजीत गायकवाड़ नाम के एक शख्स ने अपनी प्रेमिका को कार से टक्कर मार दी और उसे घायल हालत में सड़क पर छोड़कर चला गया। ये आरोप उस शख्स की प्रेमिका ने ही लगाया है। फिलहाल पीड़ित युवती प्रिया सिंह अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। प्रिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें वो अस्पताल में लेटी नजर आ रही हैं। उनके हाथ, कंधे, पैर और पेट में चोट है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मुझे इंसाफ चाहिए। आरोपी शख्स महाराष्ट्र के एक अधिकारी अनिल कुमार गायकवाड़ का बेटा है जो MSRDC के संयुक्त प्रबंध निदेशक है। इसके अलावा इस मामले में दो और आरोपी हैं जिनके नाम रोमिल पाटिल और सागर हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने दोस्तों के उकसावे पर इस घटना को अंजाम दिया। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आ करके, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए, उसने मेरे साथ मार। आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या 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 आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी, मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे स्टमक में भी, बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपकी अभी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस पहले कैसे बात रहा अभी? मैंने 4 दिन पहले FIR की दर्ज की थी, जिस दिन ये हुआ था उसी दिन इन्फेक्ट किया हुआ था 2 घंटे बैठ के, बट तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने को ट्राई किया बट सब लोग डिले कर रहे थे। अब आज जाकर पुलिस आई है बिकॉज मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और मीडिया के बाद मुझे पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है, आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है। बस जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटेल स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर ही कासारोड़ी पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। अभी 3 लोगों के अगेंस्ट गुना दाखिल किया है, उसमें हम लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं।